दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। कपूरथला में पड़ते बिलगा के अधीन आते गांव पड्डा बेट के एक किसान सरवन सिंह को अपनी भैंसों को चारा खिलाना उस समय महंगा पड़ गया जब चारा खाने के बाद उसकी आधा दर्जन भैंसें मर गई, जबकि तीन भैंसों की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरवन सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उसके पड़ोसी बलबीर सिंह ने उसके पशुओं के चारे पर जहरीली दवाई छिड़क दी थी, जिस कारण उसके पशुओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के अगले दिन ही उसका पड़ोसी कनाडा चला गया। उन्होंने बताया कि उसकी भैंसों की मौत की वजह से उसे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए उसने प्रशासन से अपील की है कि उचित मुआवजा देते हुए उसके पड़ोसी बलबीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। की नाम थोड़ा जी? सरबण सिंह। हाँ, की तनाव वापरी करना की है? अपनी वापरी लागे गवांडी दे पट्ठे सीगे, उन्हें स्प्रे कीती, सानू कहिंदा वड के लै जाओ, दूसरा बंदा लैण गया, उन्होंने ना करती ते असी लैण के पाए आ, साढ़े 7-8 डंगर मर गए आ, कुछ मरन किनारे जिदा पे आ, डिगे भी पे आ, ये गलबात आ जी। गवांडी दा की नाम तुहाडा? बलबीर सिंह। कोई पुरानी रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी? कोई माड़ी मोटी ही गलबात सी, पैली पुली वट्टा वुट्टा का झगड़ा झुगड़ा होंदा रहिंदा, तुहानू पता, इहदा करके चक्कर सीगा। इन्हें दूसरा गवांडी गया लैण तो उन्होंने कहिंदा ना आयो पट्ठे लैण, तो सानू कहिंदा लै जाओ तुसीं। हाँ जी, ये गलबात हुई। किन्ना कु नुकसान रहा? कोई 10 लाख का हो गया जी, डंगर साढ़े मर गए 6, 3 पै भी आ हले। मांग साड़ी ये है, सानू साडा मुआवजा दवाया जाए, जो भी साडा बनया उन्हें सख्त तो सख्त तो सज़ा दवाई जाए। देखो जी, इन्हां ने पट्ठे लाए है बलबीर सिंह दे कोलों, तो पट्ठिया के उन्होंने दवाई पाई ही, उन्होंने कहने के मुताबिक वो कहें अं उन्होंने दसिया भी ही। अच्छा। भी आ गलबात भी इन्ने चिर चार लो, वो पता नहीं भी कुछ किस्मत इन्हों की माड़ी जी माड़ी जी। ये बारे चलो जो तुम विचार करना, अं पिंड इन्हों सारा सहमत हाँ, जो जे पहुआ जे उन पट्ठिया जहर पाई गई, जंगर जहर पाई गई, उन्होंने दोषी सज़ा मिलनी चाहिए।